नमस्कार, मेरा नाम रमेश छेत्री है और मेरे लाइफ पेज में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज फाइन आर्ट्स के बारे में यानी ललित कला में पेंटिंग एंड ड्राइंग इसके बारे में बताऊंगा। पेंटिंग एक सब्जेक्ट है, इसको लोग स्किल भी कहते हैं। बचपन में तो ये स्किल है या एक बच्चा ऐसी कुछ भी चित्र बना सकता है जो उसे अच्छा लगे, लेकिन ये स्किल धीरे धीरे क्या होता है कि हॉबी हो जाती है। हॉबी होने के बाद कुछ पेंटिंग हम लोग करने लग जाते हैं, बच्चे लोग पेंटिंग करते हैं, अपने स्कूल लेवल में पेंटिंग करते हैं, अपने क्लास वर्क में पेंटिंग करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये आर्ट जो है फाइन आर्ट धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एकेडमिक मतलब विद्यालय शिक्षा या कॉलेज से प्रोफेशनल जो कॉलेज हैं वहां से आपको शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। उसके बिना आप आर्टिस्ट बनकर नहीं आ सकते। एज ए हॉबी तो ठीक है, लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए, आपको एक भविष्य चाहिए, सुंदर भविष्य चाहिए, आपको एक अपना मुकाम चाहिए आर्ट फील्ड में, फाइन आर्ट में, पेंटिंग ड्राइंग में, तो आपको तो फिर एकेडमिक तो आपको लेना। कला के माध्यम से आप जो पेंटिंग जो है, पेंटिंग एक शौक तो है ही, इंटरेस्ट है आपको, मनोवैज्ञानिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी आपको ये खुश रखती है, लेकिन स्किल जो है इसमें बहुत जरूरी है। अगर आप स्केचिंग करते हैं, अगर आप कुछ भावनात्मक पेंटिंग बनाते हैं, कुछ आप इमेजिनेटिव पेंटिंग बनाते हैं, मैं बताया नहीं आपको कि आपको नेचर स्टडी भी करना है, ये सारी चीजें तो स्किल आपकी तभी बढ़ेगी, उसमें वृद्धि तभी होगी स्किल में, जब आप इन सब प्राकृतिक अध्ययन नेचर स्टडी से आप शौक रखेंगे, उसको ज्यादा अध्ययन करेंगे, उसमें आपको रुचि होगी। बात है कलर्स है, स्केचिंग है, ये स्किल इसमें सबसे बड़ी बात है। आपकी जो स्केचिंग करने की जो प्रवृत्ति और जो ऑब्जर्व करने की, आपसे कैसे प्राकृतिक से आप कैसे ग्रहण करते हैं, ये स्किल बहुत। पेंटिंग सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे हमें हम लोग समझते हैं कि ये जैसे कोई छोटा बच्चा पेंटिंग बना रहा है तो माता पिता समझते हैं कि शायद इसमें इसका भविष्य नहीं होता है, कि माता पिता इस मतलब इस कार्य को चित्रकला को वो समझते हैं कि नहीं बेटा डॉक्टर बने, बड़ा इंजीनियर बने और कुछ बने, लेकिन ये पेंटिंग में न जाए, ऐसा नहीं है। पेंटिंग में भविष्य है। अब पेंटिंग में भविष्य कैसे, अगर बच्चा आर्ट अगर आपके अंदर आर्ट स्किल है, आप आर्टिस्ट ही बनना चाहते हैं, तो फिर आपको यही मार्ग आपको मतलब चुनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब आप आर्ट बनाएंगे, आर्ट करेंगे, तो आपको पेंटिंग जब आपकी बनेगी, अच्छी पेंटिंग होगी, अच्छा वर्क होगा, तो लोग उसको खरीदेंगे नहीं और आप उसको बेचेंगे नहीं, तो ये चीज। आजकल क्या है कि इंटरनेट का जमाना है, आपने अगर कोई पेंटिंग आपने फेसबुक में डाल दिया या इंटरनेट के थ्रू आप यूट्यूब में आप अपनी पेंटिंग डाल देते हैं, तो वैसे भी क्या होता है कि हम अपने देश में तो उसको देख सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको कॉपीराइट नहीं कराया तो हो सकता है कि वो आपकी कला की चोरी कोई कलाकार उसको कर दे और आपकी एग्जीबिशन से पहले या आपके आर्ट वर्क के मार्केट में आने से पहले वो अपनी कला को प्रदर्शित कर दें। तो एक बहुत बड़ा इसमें एक आजकल के जमाने से इस जमाने में, यानी कि पहले तो इतना था नहीं, लेकिन अब बहुत इसमें जो है कैसे सतर्क रहेंगे, तो आपको अपने वर्क को, अपने वर्क को भी पेंटिंग वर्क को आपको कॉपीराइट कर देना चाहिए। चले का मतलब मेरा ये नहीं कि आप एक आर्टिस्ट ही बनकर के बस आप आर्ट के बारे में कीजिए, बाकी नहीं कीजिए, ऐसा नहीं। आप सोशल भी रहिए और अपने आर्ट वर्क के लिए आप दिनचर्या में, अपने दिनचर्या में, हाँ ये कि दिनचर्या में आप मैक्सिमम अधिक से अधिक अपने आर्ट के बारे में आप सोचिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एक दिन आपको पूरा खाली मिल रहा है तो आप फिर तो आप पेंटिंग बनाइए, खूब मजे लीजिए, तो एक आपका वर्क भी सामने आएगा और आपको एक संतुष्टि भी मिलेगी, आज हमने काम किया है। बाकी तो यही है, हर की अपनी दिनचर्या, आप भी अपनी दिनचर्या को बहुत सुंदर बनाइए, अपने को कार्य में लगाइए
सबसे बड़ी बात। मैंने आपके सामने भी जितनी जितनी बातें बताई आईलास पेंटिंग के बारे में, तो हो सकता है आपको इससे भी और बातें आपको मिले, लेकिन मैं जितना अपने अनुभव से मैं जितना कुछ आपको बता पाया हूँ तो हो सकता है कि इससे आपको लाभ हो। मैं इसी उम्मीद से इसी आशा से मैं यही आशा करता हूँ आपसे भी कि आप भी एक अच्छा आर्टिस्ट बनिए और दुनिया में नाम रोशन कीजिए, दुनिया में आप नाम कमाइए, अपने समाज में नाम कमाइए, देश हित में अपने को लगाइए। धन्यवाद, नमस्कार।